तो यहाँ पर जो सबसे पहला हिडन ट्रिक है वो है शॉर्टकट्स ऐप में। जब भी आप कोई ऑटोमेशन क्रिएट करते हैं शॉर्टकट्स ऐप में, और अगर आप चाहते हैं कि वो शॉर्टकट या वो ऑटोमेशन रन ना हो, तो पहले iOS 16 में एक ही ऑप्शन था जहाँ पे आपको उस ऑटोमेशन को डिलीट करना पड़ता था। लेकिन iOS 17 में अब आप जा सकते हैं शॉर्टकट्स और ऑटोमेशन में और सेलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ऑटोमेशन को, और यहाँ पे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं उस ऑटोमेशन को रन ना होने से, यानी कि डोंट रन का ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और उस ऑटोमेशन को रन होने से स्टॉप कर सकते हैं। iOS 17 में एक नया हिडन फीचर है जो काम करता है होम स्क्रीन के आइकन्स पे भी। तो अगर आप किसी आइकन को सेलेक्ट करते हैं और उसके पोजीशन को अगर आप चेंज करते हैं और उसके बाद अगर आप शेक करते हैं अपने आईफोन को कुछ इस तरीके से, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है अनडू मूव ऐप का। आपको सिर्फ प्रेस करना है अनडू पे और जो आइकन है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ये जो सेम चीज़ है ये फोल्डर्स पे भी काम करता है। तो अगर आप सेलेक्ट करते हैं किसी फोल्डर को और उसके पोजीशन को चेंज करते हैं और उसके बाद अगर आप शेक करते हैं अपने आईफोन को, तो आप फोल्डर के मूवमेंट को भी अनडू कर सकते हैं। अगला जो हिडन फीचर है ये काम करता है पोर्ट्रेट फोटोज के साथ। जब आप उसको सेट करते हैं एज अ वॉलपेपर, आपको प्रेस करना है शेयर बटन पे, उसके बाद सेलेक्ट करना है यूज एज वॉलपेपर का ऑप्शन, और आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये सेट हो गया है एज अ वॉलपेपर। अब आप बड़ी आसानी से स्वाइप कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक कलर। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो डेजर्ट था वो डिसअपियर हो गया है और यहाँ पे रिप्लेस हो गया है एक कलर से। आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आपको चूज करना है इस कलर वाले ऑप्शन को, और आप बड़ी आसानी से कलर को चूज कर सकते हैं और इसके इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकते हैं। अगले हिडन सेटिंग की मदद से जब आपको कोई एक ऑडियो मैसेज भेजता है आई मैसेज में, या जब आप सेंड करते हैं एक वॉइस मैसेज आई मैसेज पे, अब आप उसको सेव कर सकते हैं वॉइस मेमो ऐप में। आपको लॉन्ग प्रेस करना है उस वॉइस मैसेज पे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव टू वॉइस मेमोस का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप जब भी जाएंगे अपने वॉइस मेमो ऐप में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑडियो मैसेज का सेक्शन भी है जिसको हमने सेव किया था आई मैसेज से। अगला जो हिडन फीचर है ये काम करता है स्टैंड बाय मोड में। स्टैंड बाय मोड, जैसे कि आप जानते हैं, एक बहुत ही कूल फीचर है iOS 17 में। जब आप चार्ज करते हैं अपने आईफोन को और प्लेस कर देते हैं उसको लैंडस्केप मोड में, लेकिन यहाँ पे कूल चीज़ ये है कि आप यहाँ पे इंटरैक्टिव विजिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक म्यूजिक का विजिट ऐड किया है और स्टैंड बाय मोड से ही इसको मैं प्ले कर सकता हूँ और यहीं से मैं गाने को सुन भी सकता हूँ बड़ी ही आसानी से। अगला जो हिडन सेटिंग है वो है स्पॉटलाइट में। जब भी आप एक्टिवेट करते हो स्पॉटलाइट पे और वहाँ पे अगर आप लिखते हो अलार्म, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं क्लॉक ऐप को, सेट कर सकते हैं एक नया टाइमर यहीं से, और आप ऐड कर सकते हैं एक और नया अलार्म बड़ी ही आसानी से। अगला हिडन फीचर है हैप्टिक टच में। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी वाले ऑप्शन में, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टच वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है हैप्टिक टच का, उसको आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे अब आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो आईफोन्स के साथ आता है वही सेलेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे दो नए ऑप्शन हैं। एक है स्लो, यानी कि अगर आप चाहें तो हैप्टिक टच को स्लो कर सकते हैं या आप फास्ट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप सुनते हैं एप्पल का पॉडकास्ट ऐप, तो इस ऐप में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला है इम्प्रूव्ड प्लेबैक कंट्रोल्स, उसके साथ है एक नया यूआई डिज़ाइन, और अब आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को जहां पे आप पॉडकास्ट ले सकते हैं एप्पल म्यूजिक, एप्पल न्यूज या टॉप ऐप्स के साथ। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहां पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर आप यहां पे नए हैं तो यहां पे क्लिक करके आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं, मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।